बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट एट क्लास। लास्ट सेक्शन में हमने चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन 7 किया था। इस लेक्चर में हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का लॉन्ग क्वेश्चन 8। आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन 8, रिसाइकलिंग इज़ गुड प्रैक्टिस टू कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज, एक्सप्लेन। रिसाइकलिंग कुदरती वसाइल को महफूज बनाने के लिए एक मुफीद अमल है, वजाहत कीजिए। कह रहा जो रिसाइकलिंग है वो क्या है? वो एक मुफीद अमल है। किसके लिए है? वसाइल, कुदरती वसाइल को महफूज करने के लिए। कंजर्व का मतलब होता है महफूज, नेचुरल रिसोर्स होता है कुदरती वसाइल को, ठीक है। उसको हमने वजाहत करनी है, इसको हमने एक्सप्लेन करना है। आइए हम इसका आंसर देखते हैं। पहले हम इसकी देखेंगे हेडिंग रिसाइकलिंग, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन है इसमें मेंशन है रिसाइकलिंग के बारे में बताना है आपने, ठीक है। रिसाइकलिंग के पहले इसकी हेडिंग लिखेंगे रिसाइकलिंग, इसमें यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन दिस मेथड प्लास्टिक आइटम्स जैसा कि लाइक प्लास्टिक बॉटल्स एंड पॉलीथीन बैग्स, ग्लास पीसेस, एलुमिनियम एंड स्टील कैंस, कॉपर वायर्स एक्सेट्रा मीन्स ETC और कलेक्टेड सेपरेटली, क्लीन melted and molded into new products। इस तरीकार में प्लास्टिक की चीज़ें शीशे के टुकड़े, एल्यूमिनियम और स्टील के डब्बे, कॉपर वायर, ठीक है, वगैरह ETC वगैरह को अलहदा इकट्ठा किया जाता है। और कलेक्टेड मीन्स के इकट्ठा किया जाता है, सेपरेटली अलहदा, क्लीन साफ़ किया जाता है, मेल्टेड पिघलाया जाता है, एंड मोल्डेड इनटू न्यू प्रोडक्ट, और क्या इसे किया जाता है, मोड़ा जाता है, यहाँ कहते हैं डाला जाता है नई अशिया के अंदर, ठीक है। एंड मोल्डेड इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, और नई अशिया में इसको डाला जाता है। इन दिस वे, इस प्रकार में दे आर यूज्ड अगेन एंड अगेन टू रिड्यूस पोल्यूशन, ठीक है। कह रहे हैं कि इसे इस तरह पोल्यूशन को रोकम करने के लिए इनको दोबारा इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि इसको दोबारा जैसे इसको साफ़ करके फिर इसको मेल्ट करते हैं, मेल्ट करने इसको फिर जो चार्ज फॉर्म में उन्हें मोल्ड करना है, इसको हम क्या कर लेंगे, इसको मोल्ड कर लेंगे, प्लास्टिक वगैरह को, ठीक है, इस तरह पॉलीथीन बैग को, ठीक है, ग्लास PC को दोबारा, एल्यूमिनियम और शीट के स्टील कैंस को, ठीक है, कॉपर वायर को दोबारा इसको क्या करते हैं, इसको कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद इसको दोबारा हम दूसरी शेप में मोल्ड करके फिर हम इसको नेक्स्ट इसको यूज़ कर लेते हैं, ताकि इस तरह पोल्यूशन से बचा जाता है। लेकिन अगर तो हम ऐसे फेंक देंगे, ठीक है, तो वो क्या ना वो किसका सबब बने, काज बनेगा, पोल्यूशन का बनेगा, इसलिए हम इसको अगेन एंड अगेन यूज़ कर लेते हैं। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था चैप्टर 4 का, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।